उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाई जा रही नशीली कप सिरप की खेप को पुलिस ने पकड़ा। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी हुए फरार। पुलिस अधीक्षक को हेल्पलाइन नंबर में मिली थी सूचना। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन को हेल्पलाइन नंबर में मुखबिर से मिली सूचना के बाद हनुमाना पुलिस ने यूपी से रीवा की ओर स्कॉर्पियो में छुपाकर लाई जा रही नशीली कप सिरप की बड़ी खेप को पकड़ा है। वाहन की ली गई तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ 4,500 सीसी नशीली कप सिरप बरामद की गई, जिसकी कीमत अनुमानित तकरीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है। जबकि नशे के कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एसपी अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो वाहन में नशीली कप सिरप की बड़ी खेप बनारस से रीवा की ओर लाई जा रही है, जिसके बाद एएसपी विवेक लाल, एसडीओपी मऊवन नवीन दुबे द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर टीम में हनुमाना थाना प्रभारी सैल यादव, उपनिरीक्षक नागेंद्र यादव, शाहपुर थाना प्रभारी प्रज्ञा पटेल, नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और लौर थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी, आरक्षक अखिल सिंह बघेल के साथ स्टाफ के अन्य लोग भी शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने नशीली कप सिरप से लोड स्कॉर्पियो वाहन को घेर लिया। पुलिस की घेराबंदी देख वाहन में सवार 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जबकि वाहन की ली गई तलाशी के दौरान 4,500 सीसी नशीली कप सिरप जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा की गई है। पुलिस वाहन नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। हम आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा इन दिनों नशे के कारोबारियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिले के समस्त थाना प्रभारियों को नशे के कारोबारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमाना पुलिस लगातार नशीली कप सिरप के कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने इस पूरी टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना हनुमाना प्रभारी को यह सूचना मिली कि कुछ जो कोरेक्स के कारोबारी थे वो स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ कोरेक्स लेके जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस जो है पहले से घेराबंदी करके उनका इंतज़ार कर रही थी। पुलिस को देख करके जो है टटीरा की तरफ स्कॉर्पियो गाड़ी जो है भागी। उसमें 2 लोग सवार थे और वो बहुत ही गति से अपनी वाहन को चलाए। पुलिस ने पीछा किया तो काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस हो गया था और फिर एक जगह वो समझे कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो वो गाड़ी रोक करके और कूद के भाग गए। वो पुलिस चूँकि वो गाड़ी तेज चल रही थी इसलिए उसका जो सड़क से जो धूल है वो काफ़ी मात्रा में उड़ रही थी, जिससे सामने की विजिबिलिटी बहुत कम थी और इनका डिस्टेंस भी लगभग 1.5 किलोमीटर का था। और इसका लाभ लेकर के वो भाग गए। पुलिस ने जो है टीम बना करके अन्य थानों के सहयोग से उनको तलाशने का प्रयास किया लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुए। घटनास्थल से स्कॉर्पियो गाड़ी और पेटियों में भरा हुआ जो कोरेक्स है उसको जब्त किया गया, थाने लाया गया। उसकी संख्या देखी गई तो उसमें 4500 सीसियाँ हैं कोरेक्स, जिसकी अनुमानित लागत 6,75,000 रुपये आंकी गई है। ये उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही थी।